Students, today we learn about Ohm's law. This law was given by Ohm's. This law relates electric current flowing through a conductor and applied potential difference across the ends of conductor. This is a practical law. यह experimental law है और एक्सपेरिमेंट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसे एक एक्टिविटी को समझते हैं. सबसे पहले हम लेट अस वी कंसीडर ए रेजिस्टेंस एन एमीटर ए बैटरी और ए सेल. Here I am using 3 cell battery, a key and a voltmeter. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. जैसे हम इस की को क्लोज करते हैं तो करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होती है और एमीटर में जो रीडिंग है वो और वोल्टमीटर की जो कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग है उसको हम नोट कर लेते हैं. हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाएं तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाएंगी. या हम ये कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर यदि हम करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज चेंज होगा, या अगर वोल्टेज को चेंज करते हैं तो करंट में भी चेंज होगा. इन रीडिंग से ओम्स ने एक ग्राफ इस्टेब्लिश किया. अगर हम वोल्टेज को वाई एक्सिस पे लें और करंट को एक्स एक्सिस पे रखें तो हमारे पास जो ग्राफ आता है उसका नेचर है एक स्ट्रेट लाइन. दैट इज करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन लीनियर होता है. मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उसी रिश्तो में करंट भी इंक्रीज होता है. इस ऑब्जर्वेशन को ओम ने अपने लॉ में किस तरह से लिख दिया है समझें. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference across the ends of conductor. Provided that the physical conditions of physical conditions like length, area, temperature, etc. remains unchanged.
क्या कहते हैं, इस लॉ के अनुसार किसी चालक से बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंडीशन क्या है, यदि चालक की फिजिकल कंडीशन मींस लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, डेंसिटी एट्सेट्रा जो चेंज ना हो, उस कंडीशन में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। मैथमेटिकली वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कि हमें पता है कि फिजिक्स में जहाँ भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट लगाया गया है वो है आर। आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस। तो वी इज इक्वल टू आर आई इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नाउ वी विल डिफाइन हेयर रेजिस्टेंस। जैसे हम फिजिक्स में कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो लॉ की कुछ लिमिटेशंस और कंडीशंस होती हैं। लिमिटेशंस ओम्स लॉ की भी हैं, जैसे ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मींस द कंडक्टर इन विच करंट एंड वोल्टेज हैव लीनियर रिलेशनशिप। नॉन ओमिक कंडक्टर फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन लीनियर नहीं होता है। नाउ लेट अस वी अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाई ए कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर। Its SI unit is ohm and symbol is this। किसी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो अपोजिशन होता है वही रेजिस्टेंस और प्रतिरोध कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई भी चालक है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे हम समझते हैं कि लेट अस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसीडर ए कंडक्टर। एज पर वी नो दैट इन ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट देयर मोशन इज नॉट ए इन ए यूनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए zigzag पैटर्न। तो द इलेक्ट्रॉन विच मूव्स इन रेंडम डायरेक्शन कैन नॉट जनरेट ए करंट। टू मूव दिस वी हैव टू अप्लाई सम पोटेंशियल, वी हैव टू अप्लाई सम पोटेंशियल difference across the ends of the conductor. When we apply the potential difference across the ends of the conductor, the electron moves in the
unique direction, that is positive end of the conductor to negative end, but they oppose this applied potential difference, which is called resistance.